अच्छा तो एग्जाम में भी चाहे तो उस दिन चेक कर लेना ओके एग्जाम में तो चलो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 इसमें क्या है बेसिकली कुछ नहीं है ये चैप्टर हमारा गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस इस चैप्टर में बेसिकली क्या है इस चैप्टर में ना हमें ये बताया हुआ है कि बिजनेस को हम कितनी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं अच्छा तरीका मतलब जैसे बिजनेस में क्या होता है कि पहले हमने एक तरह काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस पढ़े थे पहले डिसएडवांटेजेस पढ़े कॉम्पिटिशन पड़ता है अब देखते हैं नहीं बिजनेस को अच्छा कैसे चला सकते हैं जैसे मैं बोलूं हाउ कैन आई स्टार्ट अ बिजनेस और आई रन अ बिजनेस इन अ गुड मैनर फॉर एग्जांपल इफ आई एम द ओनर ऑफ बिजनेस इफ आई एम द ओनर ऑफ बिजनेस माय सोल पर्पस इन बिजनेस वुड बी टू प्रॉफिट कमाओ कि प्रॉफिट कमाओ जैसे मर्जी कमाओ जिसका लॉस होता है वो मुझे फर्क नहीं पड़ता यही होगा लेकिन अगर बिजनेस ऐसे काम करेगा एनवायरमेंट को डैमेज करेगा इस चीज को डैमेज करेगा गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी कंपटीशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी तो एक टाइम पे बिजनेस फॉल होना शुरू हो जाएगा मेरी मेंटालिटी क्या होगी पैसे कमाना ठीक है लेकिन अगर मैं इस तरह से काम करूंगा तो ना आई विल बी एबल टू ग्रो और ना मेरा बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा तो इसीलिए व्हाट कैन आई डू मैं बिजनेस का ओनर नहीं हूं मैं एक स्पेशलिस्ट बंदा हायर करता हूं जो बिजनेस चलाता है एंड आई विल पे हिम सैलरी ही नोज एवरीथिंग कि बिजनेस कैसे चलाना है सोसाइटी का ध्यान कैसे रखना है बिजनेस का ध्यान कैसे रखना है कि प्रॉफिट भी आए सोसाइटी का भी बेनिफिट हो एम्प्लॉइज भी खुश रहे सब कुछ हो तो वो सारी चीजें करने के लिए आई मिक्स अप अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल जो पूरा बिजनेस अच्छे से संभाले सो इस चैप्टर में वो मैं एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ कैन वी रन अ बिजनेस इन अ गुड मैनर कई जगहों पर गवर्नमेंट ने भी रूल बनाया ना कि आपको वो चीज करनी पड़ेगी जैसे इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिजनेस इज रन बाय डायरेक्टर्स पढ़ा था एंड बिजनेस इज ओन्ड बाय ओनर सो ओनर्स अपॉइंट डायरेक्टर्स टू रन द बिजनेस याद है ओनर्स अपॉइंट डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स अपॉइंट डायरेक्टर्स टू रन द बिजनेस अब बिजनेस कौन चला रहा है डायरेक्टर्स एंड दे आर गेटिंग सैलरी फॉर दैट सो जो बंदे को सैलरी मिल रही है उसका एक प्रॉफिट कमाना नहीं होगा क्योंकि उसका उसको तो सैलरी मिल रही है चाहे ज्यादा काम करे चाहे कम काम करे उसकी सैलरी मिल रही है बट उसे जो गोल है वो एस्टैब्लिश करने की वो तो ट्राई अब ओनर ने उसको अगर बोल दिया हो उसको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है बिजनेस मैन हो गए एंड उसको एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है एम्प्लॉयज भी पूछ रहे हैं अच्छा काम अच्छा आउटपुट है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स Board of directors have a great responsibility and इसके लिए उनको salary दी जाती है। They are the highest paying capacity of company. तुमने सुना होगा he is CEO of the company, he is CFO of the company. तो that means they are on top position of the company. पैसे बहुत मिलते हैं, लेकिन उनकी responsibility भी उतनी होती है। कल को business को कुछ हो जाए ना, तो उन्हीं पे बात आ जाती है कि भैया तुम्हारी वजह से ये चीज हुई है, तुम्हारी वजह से loss हुआ। ठीक है? इस chapter में we will read those things. So let's start. First point in this chapter is separation of control and ownership. Separation of control and ownership का मतलब क्या होता है? कि owner हमारे business के अलग होते हैं और business को control जो करता है वो अलग होता है. So normally क्या होता है? Shareholders are the owner of business. They appoint board of directors to run the business on their behalf.
तो जितने भी बंदे अपॉइंट होते हैं एम्प्लॉइज का, वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। शेयर होल्डर आर द वन हु हैव इन्वेस्टेड मनी। ओनर्स के पास एज सच आई कैन नॉट से उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता, बट दे डोंट रन द बिजनेस, दे डोंट वर्क ऑन डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस की डे टू डे रनिंग में एक्टिविटी पार्ट नहीं है, वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। बट तुम देख लो कितना थोड़ा जल्दी आया करो, क्लास फिर स्टार्ट होगी। ठीक है, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द पीपल हु आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर टू रन द बिजनेस। This is why we say business is a separate legal entity. There is a separation of ownership and management. These are management, these are owners. छोटी जो कंपनी होती है वहां पर शेयर होल्डर ही डायरेक्टर बन जाते हैं। ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है कि शेयर होल्डर कैन नॉट बी अ डायरेक्टर। लेकिन तो ऐसी जो कंपनी होती है छोटी छोटी कंपनियां, वहां पे शेयर होल्डर आर दी डायरेक्टर। तो उस केस में मैं कह सकता हूं वहां पे सेपरेशन नहीं होता, बट जनरली सेपरेशन होता है। तो एक बार ये मिले थे, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल रेफर टू द सिचुएशन इन अ कंपनी वेयर पीपल हु ओन द कंपनी, दोज आर शेयर होल्डर्स, आर नॉट द सेम पीपल हु रन द कंपनी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। This situation tends to occur in larger companies where there may be many shareholders who play no role in day-to-day activity of the company. कि जहाँ पे जैसे अब मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, although I am the owner of the company, कितना अच्छा लगता है सुनने में, I am the owner of Reliance, I have one share of Reliance, but I cannot actively part in day-to-day running. वो board of director करेंगे। इसका reason क्या है? सोचो मैं owner हूँ, मैं रिलायंस के इतना बड़ा रिलायंस का ऑफिस है, मैं वहां जाके बोला भाई मैं तुम्हारी कंपनी का ओनर हूं, वो क्या बोलेगा? भैया ओनर है तो क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहे इसको, तू नहीं चला रहा, हर निकल जाए। सो दैट इज व्हाई उन्होंने इसको सेपरेशन करा। दिस सेपरेशन कैन ब्रिंग बेनिफिट्स टू बोथ द पार्टीज। क्या बेनिफिट हो सकते हैं? स्पेशलिस्ट डायरेक्टर्स और मैनेजर्स कैन ऑफर रन द बिजनेस मोर एफिशिएंटली देन दोज हु ओन द कंपनी। कि अगर स्पेशलिस्ट डायरेक्टर में अपॉइंट करूंगा वो बिजनेस को ज्यादा अच्छा चलाएगा राधा दैन ओनर। दूसरा, मैनेजर्स कैन नॉट पर्सनली कंट्रीब्यूट ऑल द कैपिटल नीडेड टू रन द बिजनेस, सो दे हैव टू ब्रिंग एक्सटर्नल कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स हु ऑफन हैव नो इंटरेस्ट इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। मींस अगर मैं कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं और मैं एक शेयर होल्डर भी हूं, ठीक है, अगर मुझे कंपनी में और पैसा चाहिए, मेरे पास तो पैसे नहीं है, so what can I do? I can ask आम जनता to invest money in my business in form of shares, और आम जनता को मेरी day to day working में कोई relation नहीं है। That is why ये benefit हो सकता है कि अगर मेरा separation of ownership and management है, तो मैं external लोगों से भी पैसे ले सकता हूँ और उनको काम करने की जरूरत नहीं है। Third, चलो दो ही है। However, there is a risk that directors may run the business in their own interest rather than those of the shareholder and other stakeholder. अब ये जनरली होता ही है। Shareholders का होता है काम पैसे कमाना, board of director का होता है कि अगर हमारी sales ज़्यादा होगी तो हमारे को bonus ज़्यादा मिलेगा, profit होना। Example, तो obviously वो sales ज़्यादा बढ़ाने में काम करेगा कि मेरे को salary bonus ज़्यादा मिले। So directors may अगर sales ज़्यादा हो रही है तो इन टर्म profit भी तो increase होगा। नहीं, अगर profit नहीं हो रहा है हो सकता है ना डायरेक्टर सेल के चक्कर में सस्ता सस्ता माल बेचना शुरू कर दे कि हमारी सेल्स की टर्नओवर ज्यादा होती है हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलते हैं। सो देयर कैन बी वेरियस सिनेरियो, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। सो देयर इज अ रिस्क दैट डायरेक्टर में रन द बिजनेस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। दिस रेफर्स टू द एजेंसी प्रॉब्लम। सो ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एजेंसी प्रॉब्लम? एजेंसी प्रॉब्लम मींस डायरेक्टर्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट and shareholders have different interests, so directors may run the business in their own interest rather than shareholders who have invested in the business. So this is called agency problem. समझ आया guys? किसी को कोई चीज नहीं समझ आया तो मैं से पूछ लेना। आगे, however there is a risk that directors, अच्छा ये हो गया, note that smaller companies often do not have this issue as these organizations. In these organizations, directors are also likely to own all of the shares. Okay, shareholder ही director है,
तो उस केस में जो एजेंसी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती क्योंकि ओनर ही वही है जो बिजनेस चला रहा है, तो उनका इंटरेस्ट तो अलग होगा ही नहीं। मीनिंग दैट देयर इज नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल इन केस ऑफ स्मॉल कंपनीज। समझ आया गाइस? ये पढ़ लेना घर से, अंडरस्टैंडिंग मैंने एक बार बता रहा हूं। देखो, द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल रेफर्स टू द फैक्ट दैट the owners of the companies are always different from the directors of the company, true or false? Not always. Not always, that is why false. Very good. ये इसमें हमेशा ऐसा नहीं है कि वो different होते हैं। तो छोटी company में तो same भी होते हैं। So answer is false. अब देखो कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। छोटी छोटी चीजें। ठीक है? चलो आगे। अब आता है corporate governance. So guys, ध्यान से सुनना है concept. Corporate governance क्या होता है? अब एक बड़ी कंपनी है, अब बड़ी कंपनी में तुम्हें लग रहा है सर एक क्वेश्चन, हाँ? उसमें अंडरस्टैंडिंग में नहीं है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, लेकिन वो तो तभी होगा ना जब डायरेक्टर्स और जो ओनर्स है वो अलग होंगे। हाँ, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल रेफर्स टू द फैक्ट दैट ओनर्स ऑफ अ कंपनी आर ऑलवेज डिफरेंट। अगर ऑलवेज डिफरेंट होंगे तभी तो ओनरशिप और कंट्रोल अलग होगा ना, अगर सेम होगा तो ओनरशिप और कंट्रोल का सेपरेशन होगा ही नहीं। आई गॉट योर पॉइंट, बट जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये कॉन्सेप्ट ये नहीं कह रहा कि दोनों अलग होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, डायरेक्टर्स के रोल्स अलग होते हैं, दोनों के रोल्स अलग अलग होते हैं। सो दैट इज व्हाई देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। अगर एक ही बंदा दोनों जगह पे है वो दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, वो हो सकता है। लेकिन सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल क्या होता है कि दोनों जगह पे शेयर होल्डर सेम जगह मैनेज नहीं करते। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है गाइस, कि जब भी कोई कंपनी होती है, जैसे मैं शेयर होल्डर हूं, ठीक है, एक है डायरेक्टर। अब सोचो डायरेक्टर्स को किसी, अब डायरेक्टर है, डायरेक्टर में से कुछ कुंदन खाते हैं शेयर होल्डर्स, मैंने उनको बहुत ह्यूज टारगेट्स दिए हुए हैं टू अचीव, डायरेक्टर्स कुंदन खा रहे। डायरेक्टर्स ने क्या किया, या तो वो टारगेट अचीव नहीं करे या फिर उन्होंने बुक्स मैनिपुलेट कर दी, जो हमारी कंपनी की अकाउंटिंग बुक्स है वो मैनिपुलेट करनी स्टार्ट कर दी। वो अपने इंटरेस्ट में काम करेंगे, उनको तो सैलरी मिली नहीं है। तो अगर मुझे ये चीज कंफर्म करनी है कि वो उल्टे काम ना करें, तो डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, ओनर क्या कर सकते हैं, वो एक ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, वो एक ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। ऑडिटर कौन होगा? ऑडिटर इज अ सेपरेट पर्सन, इज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, बाहर का बंदा जो बाहर से आके सारी बुक्स चेक करेगा। वो सारी बुक्स चेक करेगा, ओनर को बताएगा कि देखो ये बुक्स में ये पंगा है, डायरेक्टर की पंगा का, तो शेयर होल्डर्स को पता लगेगा कि यहां पे गड़बड़ होगी। सो दैट इज कॉल्ड काइंड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज by which a company is directed, administered and controlled. It includes appropriate role of board of directors and auditors of the company. के directors के क्या role होंगे company में? Auditor के क्या role होंगे company में? देखो, जैसे board of directors के लिए क्या roles होंगे? क्या-क्या वो काम करेंगे? Auditor के लिए क्या-क्या responsibilities होंगी? क्या-क्या काम ये करेंगे? ये जो set of rules बने हुए हैं, these are for corporate governance. ठीक है guys? वो मंथली चेक करेगा कि कंपनी में किस वजह से गलतियां हो रही, ताकि वो गलतियां आगे से ना हो। जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो साल के एंड में आके चेक करेगा कि कंपनी ने कुछ बैलेंस शीट में गलत तो नहीं दिखाया, टू एंड फेयर व्यू वाला पॉइंट,
वो चीज। ठीक है चलो, सो अब आते हैं मैं डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कुछ खास नहीं है, मुझे पढ़ लेना फटाफट से। कंसीडर टू फॉर्मल डेफिनेशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या हो गया? ठीक है, कंसीडर गाइस, कंसीडर टू फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, ये हमें बताया कैडबरी रिपोर्ट, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वॉल्व्स सेट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन अ कंपनीज मैनेजमेंट, इट्स बोर्ड, इट्स शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रक्चर थ्रू विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज आर सेट, ऑल मीन्स ऑफ अटेनिंग दोज ऑब्जेक्टिव एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस डिटरमाइन। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब किस तरह से कंपनी काम करती है, किस रूल्स को, किस प्रोसीजर्स को फॉलो करके काम करेगी, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्लियर है? अब आता है हमें आगे द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस टेंड टू इंक्लूड द फॉलोइंग एरियाज, कि अगर हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ट करना है, बिजनेस को बेस्ट तरीके से चलाना है, तो इन इन चीजों पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, इन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज कौन कौन सी है? फर्स्ट इज द मेंबरशिप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोथ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। कि कंपनी में जो हम डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, देयर शुड बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड देयर शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव। अब इनके बीच में डिफरेंस ये है, वो आ गया है, कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होनी चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसका जो डिफरेंस है वो ये है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब डायरेक्टर्स को सैलरी कैसे दे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। एनईडी को ज्यादा देनी है, एग्जीक्यूटिव को ज्यादा देनी है, या क्या मिक्स देना है, और अगर देनी है तो डिसाइड कौन करेगा? सबसे बड़ी बात, डायरेक्टर्स की सैलरी कौन डिसाइड करेगा? कंपनी कौन चलाता है? और डायरेक्टर्स की सैलरी कौन डिसाइड करेगा? कंपनी। ओनर्स तो नहीं करते कुछ, तो यहां भी मुद्दा बढ़ जाता है कि कौन किसकी सैलरी डिसाइड करेगा। रोल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल वाले का क्या रोल होगा, एक्सटर्नल वाले का क्या रोल होगा बिजनेस में। हाउ द पब्लिक एज अ लेजिटिमेट शेयर होल्डर इन लार्ज हैज राइट टू नो द कंपनीज बीइंग गवर्न्ड, के जो आम जनता है किस तरह से उसको कंपनी की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ताकि उनको पता तो लगे कि कंपनी क्या कर रही है। जैसे तुम्हारे को मैंने आई थिंक बताया था, दोबारा बताया था, देयर इज अ वेबसाइट एनसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस वेबसाइट पे, यह दिस इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट, यहां पे तुम किसी भी इंडियन कंपनी की कोई भी डिटेल निकाल सकते हो। यहां पे कंपनी का नाम लिखो, नाम लिखोगे उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, उसकी बैलेंस शीट, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा ऑनलाइन। मतलब उनके लिए जरूरी है ये बात आम जनता को बताना, क्योंकि दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आम जनता का शेयर उसमें लगा हुआ। ठीक है, सो एक कंपनी के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसका ध्यान रखना। सबसे पहला आता है हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। मैंने क्या बताया था, नहीं क्या होते, जो डे टू डे काम नहीं करते। सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, व्हाइल कंपनी लॉ रेफर्स टू डायरेक्टर्स इन जनरल, देयर आर टू टाइप ऑफ डायरेक्टर्स, दोज हु आर इन्वॉल्वड इन डे टू डे रनिंग ऑफ द कंपनी आर नोन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इनको मिलती है सैलरी या रेमुनरेशन, मंथली सैलरी। Non-executive directors are not the employees of company and have no managerial responsibility. मतलब इनको काम मैनेज नहीं करना है, ये काम नहीं कर रहे हैं। Meaning they do not participate in day-to-day organization, day-to-day working of the company. मतलब NED जो होते हैं वो कंपनी के employees नहीं होते और ना वो कंपनी का रेगुलर काम करते हैं। तो NED कौन होते हैं? डायरेक्टर होते हैं, बट लेकिन वो काम नहीं करते। तो उनका पर्पज क्या होता है? टू चेक। डायरेक्टर्स होते हैं वो हम उन्हें कंपनी का एम्प्लॉय कंसीडर करते हैं। हाँ, तो डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, डायरेक्टर ना एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को सैलरी, बट ये इसको
मीटिंग फीस, जब जब ये कंपनी में आएंगे और मीटिंग में बैठेंगे उस हिसाब से इनको फीस मिलेगी। तो इनके अलग अलग 15-20 कंपनी से टाइप होकर जिस दिन वहां मीटिंग है वहां चले जाएंगे, वहां से पैसे ले लेंगे, जिस दिन इस कंपनी में जाना है यहां जाएंगे, यहां से पैसे लेंगे। सो दोज आर एनईडी। हाउएवर एनईडी डू अटेंड बोर्ड मीटिंग एंड देयरफॉर हैव अ से इन स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। कि ये कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स में बैठते हैं जहां पे सारे डायरेक्टर्स बैठते हैं और कंपनी की सारी डिटेल्स देख के ये बताते हैं कि कंपनी में क्या अच्छा है, क्या गंदा है, किस तरह से काम आप कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एनईडी। क्लियर गाइस? अब आते हैं एनईडी के रोल्स क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रोल क्या होते हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रोल क्या होंगे? डे टू डे मैनेजमेंट, रोज के काम करना, एम्प्लॉइज हायर करना, प्रॉफिट कमाना, वो सब तो उसका रोल है। जितनी भी स्ट्रैटेजीज है उसके अकॉर्डिंग काम करना या बनाना वो होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम। अब नॉन एग्जीक्यूटिव के रोल क्या होते हैं, वो तो कुछ करता ही। सो एनईडीज हैव सेवरल की रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू हिग्स रिपोर्ट 2013। डीज इंक्लूड क्या क्या करते हैं एनईडी? स्ट्रैटेजी, एनईडी शुड कंस्ट्रक्टिवली चैलेंज एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिवेलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी। जो भी बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बन रही है कि कैसे काम करना है, कैसे गोल्स अचीव करना है, इसमें वो बैठ के अपनी सजेशन देते हैं और अगर गलत है तो बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी गलत है। दूसरा, परफॉर्मेंस, एनईडी शुड स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज मींस चेकिंग इन डिटेल, एनईडी शुड चेक द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट इन द मीटिंग अग्री गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड मॉनिटर सीनियर मैनेजमेंट। कि एनईडी का एक और काम क्या होता है, जितना भी काम 2-3 महीने में हुआ हुआ है ये सारा चेक करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या वो काम ठीक से हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो बताएंगे ये काम गलत है, इसको ठीक करो जाके। वो इनका होता है परफॉर्मेंस। ये खुद नहीं करेंगे ठीक, ये बताएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कि आपको ये चीज ठीक करनी है। थर्ड आता है रिस्क। अब रिस्क क्या होता है, एनईडी शुड सैटिस्फाई देमसेल्फ दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट and financial controls and systems of risk management are robust and defensible। मतलब हमारी कंपनी की जो सारी, अगर मैंने किसी बंदे को non executive director बनाया and I am paying him lot of fees, NEDs की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, अगर मैं उनको बहुत ज्यादा फीस दे रहा हूँ तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो सारी, अगर मान लो कंपनी में लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो NEDs का क्या रिस्क होता है, एनईडी को खुद को सैटिस्फाई करना पड़ता है कि कंपनी के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही हैं, कंपनी की बुक सही है, कंपनी के प्रॉफिट सही है, कंपनी में कोई भी फ्रॉड नहीं चल रहा है, ठीक है। और कंपनी के अंदर जैसे अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है कि ऐसे हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है, ये अकाउंटिंग रूल्स फॉलो हो रहे हैं, वो चीज भी चेक कर रहे हैं कि वो सही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक बंदा बीच में घमले कर रहा हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चीज। पीपल, NEDs are responsible for determining appropriate level of remuneration for executive director। मतलब जो non-executive director होते हैं ये executive director की salary भी यही बताते हैं कि executive director की salary कितनी होनी चाहिए, ठीक है। And have prime role in appointing where necessary removing senior management or in succession planning। कि NED क्या कर सकते हैं, ये किसी को निकाल भी सकते हैं और किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या होगा, शेयर होल्डर आर दी ओनर्स, उसके बाद आते हैं एनईडी, एनईडी आर दी सेकंड ओनर्स। ये बाहर के बंदे होते हैं, कभी कभार आते हैं, सब कुछ चेक करते हैं और उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पूरा बिजनेस चलाते हैं। क्लियर है? हाँ, कर लो। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी ऊपर है? हाँ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव से ऊपर आते हैं, ठीक है? जैसे प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब वो डायरेक्टर में डायरेक्टर भी नेबर होता है, कई बार होता है, वो कोई बात नहीं है। हमें वो चीज नहीं पड़ती इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ ये देखना है कि इनके रोल्स के वो केस तो बहुत सारे बन जाएंगे, बट वी डोंट नीड टू गो देयर, वो टाइम वेस्ट होगा। सर वो क्या रोल्स है सबसे? ये employees, क्या हो रहा है, अलग बैठा हूँ, अलग बैठो आज का नहीं, बात नहीं कर रहे।
आज का भी होगा। पूनम वहां पर बैठो। शबनम हाँ तो तुम्हें मिला दी मैंने भी उन्हें हेल्प की थी तो मैं अब ना करती तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा पूनम वहां बैठो और शबनम तुम वहां बैठो सर मैं ठीक हूं हमारे वो की थे अच्छा पूनम के मेरे को व्हाट्सएप पे कर दे दोबारा होगा फिर अपना चला जाना मुझे बोलना पड़ेगा किसी को भी अगर तुमने करी तो मैं और शबनम तुमने करी तो मैं ठीक है तुम्हें से नहीं समझेगी ठीक है तो ये होते हैं पीपल के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर सैलरी ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब आते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? अलग, हम सब अलग है और इंडिपेंडेंस क्या बोल सकते हैं? आजाद है, आजाद है। तो इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि कंपनी अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है, सोचो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव का फ्रेंड है तो मतलब एग्जीक्यूटिव की सैलरी ज्यादा कर लेगा। और उसको अगर मान लो एक बंदा काफी साल कंपनी में काम कर चुके और उसी को मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना रहा हूं, मतलब उसको पता ही है काम कैसे होते हैं, तो वो ठीक से चेकिंग करेगा ही? 10 साल से काम कर रहा हूं वैसे ही काम होता है, वो आएगा मीटिंग में बैठ के टाइम पास करने चला जाएगा। सो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हमारे होते हैं दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, दैट शुड बी सेपरेट, जिनका कंपनी से कोई ताल्लुक ना हो, ताकि वो जब कंपनी में आए तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से आके हर चीज चेक करें कि हमें तो कुछ नहीं पता। ऐसा ना हो कि सब कुछ उनको पता हो, सारे गमले उनको पता हो, तो वो बस उस चीज को इग्नोर कर दे। एग्जाम्पल तुम्हें मैं बोल रहा हूं कि एक दुकान पे जाओ या एक तुम्हें मैं दो बंदे हैं इनके पास स्टॉक रखा हुआ है काफी सारा, ठीक है, दे हैव 2-3 लाख का स्टॉक इसके पास भी है। आई आस्क एनीवन ऑफ यू के उसका स्टॉक काउंट करके आओ, एक को बोला उसका स्टॉक काउंट करके आओ। एक बंदा यहां गया, ये वाला जो बंदा स्टॉक जिस ओनर था वो इसका फ्रेंड निकला, किसी का भी फ्रेंड निकला, तो वो क्या करेगा? ठीक है यार ओके है सही है सारा कुछ नहीं है, उसने बता दिया कि इतना इतना कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ तो प्यार है मेरा दोस्त है यार तो भाई है मेरा, वो करके ओके खत्म। और जो दूसरा बंदा जो नहीं जानता उसको, वो एक एक चीज डिटेल में चेक करेगा कि नहीं कपड़े तो नहीं करे। तो मतलब दोस्त टू पीपल आर इंडिपेंडेंट, उनका एक दूसरे से कोई नाता नहीं है, इनका नाता निकल गया इस वजह से काम खराब हो। तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो बिल्कुल अलग होने चाहिए, जिनका कंपनी से कोई भी नाता नहीं होना चाहिए। सो एनईडी शुड बी इंडिपेंडेंट एज फार एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट देयर ओवरसाइट रोल कैन बी कैरीड आउट इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबिली एज पॉसिबल। दिस इज सिमिलर टू ऑडिटर इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर भी, जो मतलब चेक करने आ रहा है, जो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया वो भी बंदा अलग होना चाहिए, सेम होगा तो ऑब्वियसली वो चीजें छोड़ देगा। So that also applies to NED. NED भी अलग होनी चाहिए। NED must not कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना वो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा। कैसे? देखो, have been an employee of the company in last 5 years. अगर कोई NED इस कंपनी का employee रह चुका है, तो मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको पता है कंपनी के बारे में, दोस्त बन चुके हैं, सारे बन चुके हैं, तो obviously वो काम ठीक से नहीं चेक करेगा। Have had a material business interest in the company of last 3 years, के business के अंदर उसका कोई interest नहीं होना चाहिए कि उसने कोई sale करी हुई है business को अपने किसी और business से, या कुछ business से उसकी dealing चल रही है, उसने loan लिया हुआ है, और उस केस में भी वो घपले कर सकते हैं, ठीक है। Third, participate in company share option and pension scheme. अगर वो बंदा उस company का share होल्डर है, अगर वो बंदा उस कंपनी का शेयर होल्डर है या उसने उसके शेयर दिए हुए, तब भी वो कंपनी के बारे में सोचेगा, वो हो सकता है कंपनी ने कुछ गलत करा हो और वो चीज को इग्नोर कर दे, क्योंकि उस गलती से कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, शेयर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, वो चीज। हैव क्लोज टाइज विद कंपनी डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉयज, के जो कंपनी के डायरेक्टर ऑलरेडी हैं और जो एम्प्लॉयज हैं वो इसके दोस्त यार नहीं होने चाहिए। Serve as NED for more than 9 years within the same company. अगर एक NED 9 साल किसी कंपनी का NED रह गया, तो 10वें साल को नहीं बन सकता। जैसे मान लो मैं आज कंपनी का NED हूँ और 9 साल तक मैं NED हूँ, तो 10वें साल में उसका NED नहीं बन सकता, क्योंकि अगर 9 साल तक कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ NED, तो मेरे को कंपनी वाले सब कुछ पता है, तो दैट मीन मैं इंडिपेंडेंट रहा, मैं चीजें चेक ही नहीं करूंगा डिटेल कि पता ही कैसे कैसे काम करते हैं 9 साल से इस कंपनी। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे।
ये राइट पार्टिसिपेट इन कंपनी शेयर ऑप्शन की, उसके पास कंपनी के शेयर होने चाहिए। अगर कंपनी के शेयर होंगे मतलब वो चाहेगा कि कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़े, शेयर की वैल्यू बढ़े मतलब कंपनी के प्रॉफिट खूब ज्यादा, तो हो सकता है प्रॉफिट दिखाने के लिए कंपनी कंपनी कर रही है, तो वो कर देगा क्या मेरे पास शेयर है भाई जाने दे इसको ऊपर मेरी कमाई को देखना कंपनी के शेयर नहीं ले सकते। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो करते हैं एक्चुअली, तुम इंडियन लाइफ में जाओगे तो वो अपनी बहन के नाम पे ले, भाई के नाम पे ले, अपने दोस्त के नाम पे ले, बहुत सारी चीजें बड़ा मान ही जाएंगे। अब आता है अदर रिकमेंडेशन। अब ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा सा ना ये स्पेसिफिक है, दिस इज नॉट जनरल, मतलब समझने वाला भी है प्लस कुछ स्पेसिफिक चीजें दैट वी हैव टू लर्न लाइक एनईडी और ईडी क्या क्या होती है, ये समझने वाला पॉइंट है। अब जैसे एटलीस्ट अब बोर्ड क्या होता है मैं बताता हूं, जैसे एक कंपनी है, कंपनी को टॉप के बंदे चलाते हैं, शेयर होल्डर आर द पीपल हु आर ओनर ऑफ द कंपनी, दे अपॉइंट सम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स टू रन द कंपनी। तो बोर्ड डायरेक्टर्स जैसे 10 डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर नहीं होता, 8, 9, 5, 6 डायरेक्टर होते हैं, वो सारे डायरेक्टर्स मिलके कहा जाता है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स मिलके बोले जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो एट लीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट एनीवे, कि जितने कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स होंगे उसमें से आधे इंडिपेंडेंट एनीवे होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग चेयरमैन हु इज ऑलवेज अ एनीवे। अगर कंपनी में 11 बंदे, 11 बंदों में से एक तो चेयरमैन होगा बोर्ड का, चेयरमैन जैसे प्रेसिडेंट होते ना ऐसे बोर्ड का चेयरमैन होगा, चेयरमैन तो एनईडी होगा, चेयरमैन शुड बी एनईडी। इसके अलावा जो 10 बंदे हैं उसमें से आधे एनईडी होने चाहिए, चेयरमैन ओनर होता है, चेयरमैन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही पार्ट होता है। अब जैसे हम सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, आज तुम्हें चेयरमैन बना दिया, कल तुम्हें चेयरमैन बना दिया, फिर तुम्हें चेयरमैन बना दिया, वो चीज होगी। चेयरमैन सर बेसिकली एक कहते हैं ना ग्रुप का लीडर, वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो लीडर होता है दैट इज कॉल्ड चेयरमैन, होता उसी ग्रुप में से। ठीक है, सो अ स्मॉलर कंपनी शुड हैव एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट एनटिटी, अगर स्मॉल कंपनी है तो उसमें 2 एनटिटी होनी चाहिए, चाहे डायरेक्टर ज्यादा हो लेकिन स्मॉल कंपनी में मिनिमम 2 एनटिटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे वन ऑफ द इंडिपेंडेंट एनटिटी शुड बी अपॉइंटेड टू बी सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई भी एक एनटिटी जो होता है वो एक सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए, एस ए नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट एनटिटी जो हमने हायर किए हैं शुड बी अपॉइंटेड टू बी सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब इस एनटिटी में से जैसे जो बंदे अपने 10 में से 5 एनटिटी थे उसमें से एक बंदा सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए जो कंपनी के काम भी करे स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाएंगे, ये तुम्हें आगे पता चलेगा। मैं मान गया लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए इसे कर पाएंगे, रूल्स तो सही है, रूल्स में लिखा हुआ कि एनईडी काम नहीं करते लेकिन किसी स्पेसिफिक जगह पे हम इनको रखें। ठीक है, वो देखेंगे अभी आगे तुम्हारा पॉइंट आएगा। दे आर अवेलेबल टू बी कॉन्टेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स हु विश टू रेज मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल एग्जीक्यूटिव चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कुछ जो एनईडी होते हैं। अब जैसे क्या हुआ इस बोर्ड में, लेट्स से देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर्स, 6 में से एक चेयरमैन है वो अलग है, तो ये 6 बंदे जो हैं इसमें से 3 होंगे एनईडी, 3 होंगे नॉर्मल डायरेक्टर, तो जो ये 3 एनईडी होंगे इसमें से वो एक बंदा रखेंगे जो शेयर होल्डर से मिले। अब जब शेयर होल्डर है कंपनी के जो ओनर है उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कंपनी में क्या हो रहा है, वो किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, एनईडी इस बंदे से जिसको हम स्पेसिफिकली अपॉइंट करेंगे। ये बात कि शेयर होल्डर की अगर कोई भी क्वेरी है कंपनी के बाहर से रिलेटेड कुछ भी किया, जैसे एक्स वाई जेड कंपनी है और एबीसी कंपनी है दोनों कॉम्पिटिटर है, शेयर होल्डर ने देखा कि यार एबीसी कंपनी का कॉम्पिटिशन बहुत, एबीसी कंपनी बहुत आगे जा रही है हमारी कंपनी इतना आगे नहीं जा रही, तो वो कंपनी में जाकर किससे बात करेंगे, एम्प्लॉय से, तो वो बात करेंगे इस स्पेसिफिक एनटिटी से कि देखो बाहर ऐसे चल रहा है यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, दैट इज दिस के they are available to be contacted by the shareholders who wish to raise matters outside the normal executive channels of communication. Clear guys? इसके बाद आता है
It is also worth noting that a good corporate governance recommends that the role of chairman, who is responsible for activities of board, जो leader हम बनाते हैं, should be distinct from CEO, जो chief executive officer होता है, he is a executive officer, और executive officer क्या करता है, वो business चलाता है, executive officer runs the business, वो ये कह रहे हैं, जो chairman होगा, that should not be CEO, जो बंदा company का CEO है, उसको हम chairman नहीं बनाएंगे, board में जो बंदे हैं, बोर्ड में 10 बंदों का कॉम्पोजिशन है, कोई सीईओ है, कोई सीएफओ है, कोई ये है, कोई वो है, कोई ये है, कोई वो है, तो इसमें से चेयरमैन जो होगा वो हम सीईओ को नहीं बनाएंगे, और वैसे भी नहीं बना सकते क्योंकि चेयरमैन शुड बी अ एनईडी, सीईओ तो एनईडी होता ही नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव है, तो वही बात आ गई जो फिर कभी बताया हुआ है कि चेयरमैन शुड नॉट बी सीईओ इफ वन पर्सन होल्ड बोथ द रोल, एक बंदा चेयरमैन भी है और सीईओ भी है, it will give him too much power and allow them individually to dominate run the company. अगर एक बंदा business चला रहा है और वो board का chairman भी है, that means सब कुछ उसके according चलेगा, उसी के according पूरा business चलेगा, ना वो owner तो है नहीं वो, फिर भी उसके काम पे सारा business चलेगा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आगे executive directors and non-executive directors would typically be required to stand for re-election by shareholders every 3 years. हर 3 साल बाद shareholders जो होते हैं, वो directors को re-elect या change कर सकते हैं। अगर shareholders चाहते हैं कि भैया ये director बेकार है, ये मेरा business अच्छा नहीं चला रहा, तो उसको निकाल सकते हैं 3 साल, ठीक है? और अगर उनको लग रहा है कि ये director अच्छा है, तो उसको वो दोबारा से reappoint कर सकते हैं। Entities who have been in company over 9 years, जिनको 9 साल हो चुके हैं, must stand for re-election on annual basis. वैसे तो ये point ही contradictory है, क्योंकि अगर एक बंदा NED बन चुका है 9 साल के लिए, वो दोबारा से NED बन ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो बना रहे, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि नहीं बना सकते, वो लिखा होगा कि independence उनकी compromise हो जाती है। अगर वो एक NED 9 साल के लिए company का NED बन चुके हैं, तो उसको अगर दोबारा से रीअपॉइंट करना है, तो वो 3-3 साल का नहीं होगा, वो हर साल रीअपॉइंट होगा। So entities who have been in the companies for over 9 years must stand for re-election on annual basis, हर साल उसमें चेंज होगा। क्लियर है ये पॉइंट? कोई डाउट उसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ये मत करो, इसकी जरूरत नहीं है। अब आता है रेम्यूनरेशन कमेटी। अब कमेटीज क्या होती हैं? कंपनीज अपने अंदर कुछ अलग अलग ग्रुप्स बना देती हैं कि इस चीज के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे और इस चीज का ध्यान पूरा ये रखेंगे, ठीक है? सो कंपनी ने एक बनाई रेम्यूनरेशन कमेटी। अब रेम्यूनरेशन कमेटी क्या होगी? अ रेम्यूनरेशन कमेटी इज अ कमेटी मेड अप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एनईडी की मिलकर कमेटी बनती है, which is responsible for deciding the pay and incentive of executive director. So company क्या करेगी? एक remuneration committee बनाएगी जिसमें सारे होंगे NED और वो decide करेंगे कि executive directors की salary क्या होगी। Yes. नींद आ रही है देखो, राशि का तो आ रही है, पर इतना बड़ी चपकिया मार रही है, ठीक है? It is exactly क्या चीज? ये वाला पॉइंट, ये क्या बता रहा है? जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दोनों में फर्क पता है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो सैलरी होती है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिसाइड करता है। कैसे? वो एक कमेटी बना लेते हैं व्हिच इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन कमेटी। इस कमेटी में क्या होता है, वो एक रेम्यूनरेशन कमेटी बनाते हैं जिसमें लेट्स से ये 5 एनईडी है, दीज आर एनईडी, दे विल डिसाइड सैलरी ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कि ये जो सारे कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इनको कितनी सैलरी मिलेगी, ये डिसाइड करेगी ये कमेटी, ठीक है? आगे तो एनईडी का एनईडी का सैलरी, हाँ ये पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट no director should involve in setting the level of their own remuneration. Of corporate governance क्या कहते हैं?
अगर एक बंदा अपनी खुद की सैलरी डिसाइड कर रहा है, डायरेक्टर्स आर टॉप पोजीशन, अगर वो बंदे अपनी खुद की सैलरी डिसाइड करेंगे तो वो तो भैया टॉप ही करेंगे, उनको 100 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, करेंगे कि नहीं? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रूल है कि कोई भी डायरेक्टर अपनी सैलरी नहीं कर सकता। अब हमें ये पता लग गया कि एनडी जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैलरी डिवाइड करते हैं, तो एनडी की कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एनडी की अभी भी पढ़ेंगे हम। द बोर्ड इज द बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शुड देयरफॉर एस्टैब्लिश अ रेमुनरेशन कमेटी ऑफ एटलीस्ट 3 मेंबर्स इंडिपेंडेंट एनडी। द रेमुनरेशन कमेटी इज रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग द रेमुनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लूडिंग पेंशन राइट और एनी कमीशन पेमेंट। जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मिलना है वो सारा ही कमेटी डिसाइड करेगी। आगे, होल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी रिस्पांसिबल फॉर डिसाइडिंग द लेवल ऑफ सैलरी ऑफ एनी। अब इसका मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो एनी इंक्लूड होता है। हां, अब पॉइंट क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारे आते हैं? एग्जीक्यूटिव दोनों आते हैं। ये बोलेगा मेरे को 100 करोड़ मिलेंगे, ये बोलेगा भाई मेरे को मिलने चाहिए, ये बोलेगा मेरे को मिलने चाहिए, ये बोलेंगे हम पागल हैं, हमें एनईडी बना दो। तो मतलब सबकी मिली भगत से इनको सैलरी नहीं, तो मतलब इनका से नहीं रहेगा, ये बोलेंगे मेरे को इतनी मिलनी चाहिए लेकिन ये कम करा देंगे। सो खाली इनका डिसीजन नहीं रहा आपकी सैलरी डिसाइड करने में, तो दिस इज व्हाई मेजॉरिटी का हो गया। सो पॉइंट क्या है, एनईडी की जो रेमुनरेशन कमेटी है वो डिसाइड करती है सैलरी ऑफ ईडी और पूरा बोर्ड डिसाइड करता है सैलरी ऑफ एनईडी। क्लियर है? अब इसके आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेमुनरेशन कमेटी। सो एडवांटेजेस क्या है इसके, इट अवॉइड्स एजेंसी प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडिंग देयर ओन सैलरी। अगर खुद ही काम कर रहे हो, खुद ही की सैलरी डिसाइड कर रहे हो, सो दैट इज एजेंसी प्रॉब्लम, तो वो चीज नहीं होगी। इट लीव्स बोर्ड फ्री टू मेक डिसीजन अबाउट कंपनी फ्यूचर। अब जो बोर्ड है वो सिर्फ डिसाइड कर रहा है एनईडी की सैलरी, वो ईडी की डिसाइड नहीं कर रहा। दैट मींस जब हमने अलग से कमेटी बना दी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सैलरी डिसाइड कर रही है, दैट मींस बोर्ड के पास बहुत टाइम है और चीजों के बारे में सोचने का। एजेंसी टर्म इज लाइक अपना इंटरेस्ट, एजेंसी मीन अपना इंटरेस्ट है। अगर वो था बुक में नहीं है, पता है ये बुक में नहीं है, तभी मैं करा तुम्हारी भी है तुम्हारी भी, क्योंकि तुम्हारे को जो मैंने व्हाट्सएप करी है वो वाली सेम बुक है, उसमें सिर्फ ये बुक जो है ना जहाँ बनी है ये चीजें नहीं है। मैं तुम्हारे को व्हाट्सएप पे इसका लिंक कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना है बुक, ठीक है? फिर वहां से लिखना होगा लिखना है, वैसे पढ़ लेना, ठीक है? चलो अब इसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रेमुनरेशन कमेटी। तो पहला डिसएडवांटेज है देयर इज अ डेंजर ऑफ यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर। भैया अगर तू एग्जीक्यूटिव की सैलरी कम करेगा, तेरी भी सैलरी हमने डिसाइड करनी है, तेरी भी हम कम करेंगे, तो दैट इज देयर इज अ डेंजर ऑफ यू स्क्रैच माय बैक और आई स्क्रैच योर। दूसरा, देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर प्रिपरेशन एंड होल्डिंग ऑफ मीटिंग। अब मीटिंग जब होती है, मैंने बताया था एनईडी जो होते हैं वो हर बार कंपनी में आता है तो सिटिंग फीस लेते हैं कि कंपनी में आने की फीस, और वो फीस 500,000 नहीं होती, वो सीधा लाखों में होती, 10 लाख 5 लाख सीधा इतनी नहीं होती। एक दिन आएंगे और हर लाख 3-4 लाख 10 लाख रुपए ले लेंगे। सो अगर मैं ऐसी कमेटियां बना रहा हूँ और हर हफ्ते आना पड़ गया तो भैया खर्चा कितना हो जाएगा उनके लिए? कमेटी किसकी होती है? एनईडी की। सो वो तीन बंदे आएंगे, 30 लाख रुपए उनको देने और वो डिसाइड क्या करेंगे, सिर्फ सैलरी, तो दैट मीन इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। क्लियर है? कुछ नहीं, सॉल्यूशन तो स्क्रैच माय बैक और स्क्रैच योर्स, अगर ऐसा होता है ना कि ये ऐसा लंबे जो किसके सॉल्यूशन बेसिकली देख सी दैट सी कि क्या कर सकता है ये कंपनी, के कितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं, मुझे कितने सारे दे सकते हैं। आप हां नहीं, आई मीन सर, मैं कंपनी बोर्ड हूं, मैं मेरा कंपनी है ना, मैं तो कंपनी का बोर्ड हूं, मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो एक साथ मिल जुलके अपने सैलरी को डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपने समझ गया, उसी तरह वो उसका ज्यादा लिखता है और ये इसका ज्यादा लिखता है, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है कंपनी के लिए? इसके पहली बात क्या होती है, जब भी बोर्ड मीटिंग होती है ना उसमें कंपनी के जिनके पास 50% से ज्यादा शेयर होते हैं वो भी आके बैठते हैं। दिस इज इन द बोर्ड मीटिंग, ये कंपनी में चल गया, दिस इज इन द, दे डोंट से समथिंग बट दिस इज इन द बोर्ड मीटिंग, क्योंकि दे आर ओनर ऑफ द बिजनेस।
पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एक डायरेक्टर दूसरे की सैलरी बहुत ज्यादा रखेगा, इनको डायरेक्टर्स आर नॉट हम जैसे पीपल, जैसा हम सोच रहे हैं डायरेक्टर नहीं सोचते कि तू मेरे को सैलरी ला देगा मैं तेरी कार्ड लगाया था, क्योंकि अगर ऐसा करने लगे तो कंपनी के तो प्रॉफिट ही नहीं रहेगी, सारी सैलरी में बढ़ जाएगा और लॉसेस होंगे तो इसको बाहर निकाल दे। सो दे हैव अ माइंड कि हमें अपनी रेकमेंडेशन, वो बेसिकली क्या करते हैं डायरेक्टर, ये देखते हैं कंपनी के हर साल ऑन एवरेज कितने प्रॉफिट हो रहे, उस प्रॉफिट में से ये एवरेज निकालते हैं कि ऑन एन एवरेज हम टोटल सैलरी डायरेक्टर्स को इतनी दे सकते हैं, अब इतने में से बायोलोजेशन कर लो कितनी कितनी कर सकते हैं। सो वो सबकी से सबके सिलेबस में से होते हैं। तो देयर इज अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन इज इन देयर माइंड के साथ मशवरा क्या होगा। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि परसों पेपर दे, तुमने बोला कि नहीं सर हफ्ते बाद दे दें, अब देयर इज नो सॉल्यूशन, वो सलाह मशवरा करके ही हमें पॉइंट पे आएंगे। ऐसे इनका भी एक डिस्कशन होता है, उसके बाद सॉल्यूशन आता है। सो ऐसा नहीं है कि देयर इज अ रूल डिफाइंड कि ऐसा करो, देयर इज समथिंग व्हिच इज यू दे यूज योर हेड किस तरह से करते, ठीक है। चलो इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग 3, फटाफट से पढ़ो। जब एनईडी आते हैं ना, सब लोग कहते हैं भैया कोई घंटे के लिए बुलाओ, एक घंटे बाद भेज दो, अरे आधा घंटा रुक गया तो इसका भैया 3 लाख का बिल बन जाएगा फालतू, एक दिन का एक घंटे का 1 लाख रुपए लेता है, अगर गलती से एक घंटा फालतू बैठ गया, इनको चाय भी पिलाते कई बार, ये चाय भी नहीं पिलाते, घंटा लगा दी उसके पैसे मांग लेंगे, कोई बताता भाई इतने टाइम पे एंटर हुआ था कंपनी में, इतने टाइम में एंट्री हुआ बैठ गया, जस्ट एग्जाम्पल, ये मत सोचना रियल लाइफ में ऐसा होता है, जस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि रियल लाइफ में दे हैव अ डिफाइंड टाइम, आज 2 घंटे यहाँ जाना, 2 घंटे वहां जाना, 2 घंटे वहां जाना, ठीक है। इनका भी छोटा, बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी होता है, ठीक है। जैसे सर मैं समझ रहा था जॉइंट पे नहीं है, लेकिन पेंशन नहीं मिल रहा तो अच्छी बात है, कर रहा भी कोई लाइफ नहीं देती, पेंशन नहीं मिल रहा है, पूरा होता है भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं एक्सपीरियंस उनको चीजें बता देती है जो कंप्यूटर नहीं बता सकता। So, जो एनईडी 60 साल का होगा, सोचो उसको, उसने अगर 20 साल काम किया है तो कितना एक्सपीरियंस उसको होगा, वो कंपनी को देख के ही बता देगा कि कंपनी चलने वाली है कि नहीं। तो उनकी जो लाइफ होती है वो होती है 100 साल काम करने की, उनको तो 100 साल का काम करना है, उनकी कोई रिटायर होती नहीं है, और जितने वो बूढ़े होते जाते हैं उतनी उनकी सैलरी सिटिंग बढ़ती रहती है, पहले साल अगर 2 लाख है तो 10 साल बाद उनकी 15 लाख होगी। तो अगर एक जो एनईडी होते हैं जैसे ये रतन टाटा वगैरह ये सारे शेयर होल्डर है ओनर है, तो ये जो बंदे हैं अगर एग्जांपल अगर ऐसा कोई बंदा कंपनी में जा रहा है कंपनी को देखने के लिए तो कितनी फीस देता होगा, एंड जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है उतनी इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो तू चाहे तो कर सकता है सर, पेंशन की टेंशन नहीं, ठीक है। चलो गाइस बात नहीं, अब आता है ऑडिट कमेटी। अभी हमने देखी थी रेम्यूनरेशन कमेटी which is responsible for deciding salary of executive and non-executive directors. अब आता है audit committee. So audit committee क्या होता है basically? A committee set up जो हमारी auditors का ध्यान रखती है, ठीक है? So क्या होता है committee? एक सिंगल auditors committee से आपको बताया था जो बाहर से आते हैं और सारी books check करते हैं कि books सही हैं कि नहीं company के इन्वेंटरी भी चेक करते हैं, ऑडिटर स्टॉक ऑडिटर, दो स्टॉक ऑडिटर,
ठीक है. सो एन ऑडिट कमेटी कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एनईडी. अब हर कमेटी के लिए एनईडी चाहिए. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ कमेटी. सो एन ऑडिट कमेटी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एनईडी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द फाइनेंशियल इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब हमने एक कंपनी वालों ने एक एनईडी की कमेटी बना ली, तीन एनईडी की, कि कंपनी की बुक से रिलेटेड हर चीज के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो. अगर कंपनी में फ्रॉड हुआ है तो तुम पकड़े जाओगे कि तुमने क्यों वो चीजें चेक नहीं की थी, तुमने क्यों रिकॉर्ड चेक नहीं किए थे, क्यों डिस्प्लेस कर दिए थे, क्यों कंप्लेन किए. सो दैट इज अ ऑडिट कमेटी. सो क्या होता है, कंपनी की एक ऑडिट कमेटी होती है, वो ऑडिट कमेटी, अब एनईडी काम नहीं करते लेकिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो एनईडी क्या करेंगे, वो एक सीए अपॉइंट करेंगे बाहर का, अच्छा सीए, जो आके कंपनी की सारी बुक सारे रिकॉर्ड चेक करेगा कि कंपनी के सारे काम ठीक हो रहे हैं या नहीं, और वो इसको बताएगा कि देखो जी मैंने चेक कर लिया इस कंपनी में प्रॉब्लम है, आपको ये चीज ठीक करानी पड़ेगी. फिर ये मीटिंग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बोलेंगे कि ये काम करना और वो ठीक कराएंगे, ऐसा प्रोसेस चलता है. ठीक है. सो द ऑडिट कमेटी एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर. के जो कंपनी का बोर्ड है वो बोलेगा इनको और ये बोलेंगे ऑडिटर. सो दीज एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इंटरनल ऑडिटर. अब जो इंटरनल ऑडिटर है वो बोर्ड के पास ही जाएगा, वो कमेटी के पास जाएगा कि मेरे को ये चीजें मिली, फिर ये जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएंगे कि हमें ये चीजें कंपनी के अंदर मिली. ठीक है. एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी बुक्स चेक करेगा, बुक्स चेक करके ऑडिट कमेटी वालों को बताएगा कि बुक्स चेक हो चुकी है, ये चीजें हैं, ये हमारी फाइंडिंग है, फिर वो फाइंडिंग लेके ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएंगे और उसको समझाएंगे. सो अब आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमेटी. फटाफट से पढ़ते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ऐसा नहीं है कि पेपर में एक्सप्लेन करने होंगे चार नंबर के, सिर्फ पेपर पढ़ लेते हैं फटाफट. कौन पढ़ेगा प्रॉपर पूरा? Responsibility of audit committee is include of following accounting policy and financial statement as a as a whole to ensure that they are appropriate and balanced. हाँ तो मैं means के वो review करेगी कि सारी policies और जो statements हैं वो सारी ठीक से काम हो रही हैं और balance है, सारी policies follow हो रही हैं. आगे बढ़ो. Review system of internal control and risk management. Within the organization, know that risk management may be किस तरह से स्टॉक, एग्जाम्पल स्टॉक आ रहा है, स्टॉक की अकाउंटिंग कैसी हो रही है, जो स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुका है उसकी अकाउंटिंग कैसे हो रही है, और फिनिश गुड्स हमारा जो बिक रहा है उसकी अकाउंटिंग कैसे हो रही है. सो दिस इज अ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल ये प्रोसेस है. तो रिव्यू द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल के इंटरनली अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे फॉलो होता है एंड रिस्क मैनेजमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन के अगर मान लो कंपनी का डेटा डिलीट हो जाए तो किस तरह से कंपनी को रिकवर करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट. सो वो भी इनकी ऑडिट कमेटी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आगे एग्रीमेंट ऑफ द वर्क एजेंडा फॉर द इंटरनल ऑडिट ऑडिट डिपार्टमेंट एज वेल एज रिव्यूइंग द रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क. इनका ये डिसाइड करेंगे एजेंडा कि किस तरह से एक ऑडिटर को ऑडिट करना है, और ऑडिट करने के बाद एज वेल एज रिव्यूइंग द रिजल्ट्स के जो उन्होंने ऑडिट किया है उसका रिजल्ट भी चेक करेंगे. आगे मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ टू द बोर्ड फॉर सेटिंग द पुट ऑफ टू द शेयरहोल्डर रेटिंग टू द अपॉइंटमेंट and removal of the external auditor as well as their remuneration and terms of engagement. This means कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएंगे कि इस ऑडिटर को निकाल दो, इस ऑडिटर को अपॉइंट कर दो, और इनको कितनी सैलरी देनी है ये इंटरनल ऑडिट कमेटी बताएगी. ठीक है. आगे लाइजनिंग विद द एक्सटर्नल ऑडिटर इन द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द रिव्यू एंड मॉनिटर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी एज वेल एज जो हमारी ऑडिट कमेटी है
जो हमने एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किए थे उनसे बात करेगी, उनसे डिस्कस करेगी और देखेगी कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो जो एक्सटर्नल ऑडिटर वो पहले कंपनी में कुछ काम कर चुके या उसका दोस्त कंपनी में नौकरी कर रहा है, तो वो इस चीज चेक करेगी कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये भी इसका काम होता है। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमिटी। सर वो ये वाला ये मेकिंग रिकमेंडेशन टू बोर्ड, मतलब वो ये डिसाइड करेगी कि किस ऑडिटर को निकालना है, किस ऑडिटर को रखना है और ऑडिटर्स को कितनी सैलरी देनी है। ये कमेटी है, दीज आर नॉट ऑडिटर, दीज आर कमेटी जो डिसाइड करते हैं कि कौन ऑडिट करेगा। कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है, कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है। हां हां, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, कमेटी अलग है, ऑडिटर अलग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कमेटी, ऑडिटर, इनका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट से रिलेटेड। तो किस ऑडिटर को रखना है, किसको नहीं रखना, कितनी सैलरी देनी है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएंगे कि इस बंदे को निकाल दो, दूसरा बंदा रखो। क्लियर है? द मेन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट कमेटी इज दैट इट अलाउज ऑडिटर्स टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग्स टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो ऑडिट कमेटी का एक फायदा क्या है कि एक्सटर्नल जो ऑडिट करके आते हैं वो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, सोचो एक बंदा उसने काम करा ऑडिटर का, उसको गलती मिली, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास गया कि आपकी कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, वो बोलेगा मुझे क्या बता रहे हैं, मैं ही कर रहा हूं, ठीक है ना, तो पंगा बढ़ जाएगा। तो इनका एडवांटेज क्या कमेटी का कि वो ये बात कमेटी को बता देगा कि देखो ये फ्रॉड चल रहा है, रिंग लिख के दे देगा। अब कमेटी किस तरह से डील करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कैसे बताती है, वो उनके ऊपर है। सो दैट इज ऑडिट कमेटी अलाउज ऑडिटर्स टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। This avoids number of possible problems. इससे problems क्या क्या हो बच सकती हैं? External auditors who do not have to report fraud to executive directors who may be responsible for perpetrating them. मतलब auditors को committee के पास जाना होता है, अगर वो committee के पास ना जाके, जो example मैंने दिया था, सीधा सीधा board में गए, वो क्या बोलेंगे, भैया मैंने तो करा है। तो external auditors को वो executive director के पास नहीं जाना, हो सकता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ये फ्रॉड करा, अगर एक ऑडिटर को फ्रॉड मिला है तो वो डायरेक्टर के पास नहीं जाएगा सीधा सीधा, वो जाएगा कमेटी के पास, और कमेटी होते हैं इंडिपेंडेंट पीपल, उनका कंपनी से कोई रोल नहीं है, ठीक है। सो एक तो ये फायदा होगा। सेकंड, इंटरनल ऑडिटर्स आर अनलाइकली टू फील कंफर्टेबल रिपोर्टिंग सिस्टम एंड वीकनेस टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्होंने डिजाइन किए। अब सोचो एक इंटरनल ऑडिटर है जो हर महीने कंपनी की बुक चेक करता है, उसको पता लग रहा है कि कंपनी ना इस चीज में बहुत गंद काम कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही। कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वही काम करते हैं, तो सोचो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आगे बोले कि आप काम सही नहीं कर रहे, वो क्या बोलेगा, भाई तू मुझे बताएगा कि मैं काम सही कर रहा हूं कि नहीं। सो अगर हमने एक ऑडिट कमेटी अपॉइंट की हुई है तो वो किसको बताएगा, ऑडिट कमेटी को। अब कमेटी कैसे भी करके इसको सॉर्ट आउट करे, भैया उस बंदे ने तो कमेटी को ये बात बता दी, तो दैट इज ऑडिट कमिटी। ये कमिटी ने फ्रॉड डिटेक्ट किया, वो इंडिपेंडेंट है कमिटी, तो किसको बोलते हैं, बोर्ड को, बोर्ड ने अगर फ्रॉड किया तो हां तो बताएगी वो बोर्ड को, फिर कंपनी पे जो मर्जी बताए, ऑडिटर तो बच गया ना, ऑडिटर ने तो बता दिया। अब ये भी इंडिपेंडेंट है, फिर अगर ऐसा कुछ काम हो, एनिडीज आर ओवर अबव एनिडी, ऑडिटर तो नीचे का बंदा है, ऑडिटर अगर डायरेक्टली ईडी को बताएगा तो वो उसको झाड़ देगा, ऑडिटर ने सीधा एनईडी को बताया। जैसे तुम हो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स ऊपर है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। मैं इसे लिख के दिखाता हूं, एनईडी आर ग्रैंड पेरेंट्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर पेरेंट्स, ठीक है, और तुम आज स्टूडेंट जो तुम हो ऑडिटर, तुम हो ऑडिटर, सो तुम हो ऑडिटर। अब चक्कर क्या, मान लो, या और अच्छा एग्जांपल बोलता हूं, एनईडी है तुम्हारे पेरेंट्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो काम करते हो वो हो तुम, और ऑडिटर हूं मैं ट्यूशन से नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि भैया तुम ठीक से पढ़ नहीं रहे, तो तुम्हें तो पता ही है तुम ठीक से नहीं पढ़ रहे, वो कहना ठीक है सर, ओके पढ़,
मैं बोलूंगा तुमने गलती करी है, हम मुझे पता है मैंने गलती करी है, मैं कर रहा हूँ गलती, ठीक है। पर लेकिन अगर मैंने पेरेंट्स को बताया वो तुम्हें झाड़ेंगे, हाँ भाई फोन आया था, ऐसे ऐसे हो रहा है। सेम वे कंपनी के जो ऑडिटर है अगर वो इनके ऊपर वाले बंदों को बताएंगे और वो इंडिपेंडेंट है तो दे हैव अ राइट कि वो इनको झाड़ सकते हैं, वो तो निकाल भी सकते हैं इनको, वो तो इनकी सैलरी भी रोक सकते हैं, सारी पावर है उनके पास, इसके पास कोई पावर नहीं। तो इसीलिए जो हमारे इंडिपेंडेंट जो हमारी कमेटी बनी है दैट इज एनईडी, वो डायरेक्टली ऊपर वालों को बताएंगे फिर वो इनको पकड़ेंगे। आपस में दातू पढ़ना मैं चलो अब आ रहा है नॉमिनेशन कमेटी। मेरे को पता थोड़ा सा ऐसे ही है, तुम जो ब्रेक करो ना घूमने फिरने का नहीं है, ब्रेक करो पुराना डिवाइस करो। मशीन को हमने 9000 में
2000 के प्रॉफिट पे कितनी अमाउंट क्या अगर 9000 में बेचा है 2000 का प्रॉफिट है मतलब कुछ ऐसा कुछ ज्यादा जिसमें ये सवाल है कि इतनी सारी स्कैम चलता तो ये कह रहा ना कि बात से इसकी वैल्यू क्या होगी 125000 में से तुमने जो मशीन बेची है वो ये कह लिखा 12000 है 12000 की थी 12000 की उसकी कॉस्ट थी 12000 की उसकी कॉस्ट थी उसमें से तुमने 9000 की मशीन बेची हां 9000 की मशीन 2000 की प्रॉफिट मतलब 7000 की उसकी वैल्यू है ओपनिंग थी 12500 इस ओपनिंग फिगर इसमें से तुम्हारे 7000 चले गए 7000 चले तुम्हारा आ जाएगा 1 6 1 1 8 कि इसमें से तुम्हारा सिर्फ जो जो मशीन बिक थी उसका कैरी ओवर माइनस हो गया था तो ये क्या अपनी कौन सा अमाउंट ये ओपनिंग बैलेंस मैंने सर ऐसे किया तो मैंने हमारा ये अगर नहीं एंड से बनाते हैं जो बैलेंस प्रोडक्ट है उसमें से हमारा आज की जो वैल्यू वही माइनस होगी ना उसमें से कॉस्ट होगी माइनस होगी बैंक चार्जेस नहीं बैंक चार्जेस क्या होते हैं अगर बैंक में क्रेडिट कार्ड है उसमें एक लॉजमेंट आता है एक लॉजमेंट आएगा एक क्रेडिट वाला और एक आएगा एरर्स बाय बैंक अगर बैंक ने कोई गलती है बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए इन एरर जैसे बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए बैंक ने पैसे गलती से काट दिए तब उसमें आएगा वरना सारा हमारा उसमें आएगा I don't think that you are a joker. You are a joker.
ये घर से पढ़ लेना,
सो बेसिकली क्या होता है, कंपनीज को दे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू पब्लिश देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ वेबसाइट. यूके में इट इज कॉल्ड कंपनीज हाउस, यूके में इट इज कॉल्ड कंपनीज हाउस, इंडिया में इट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसके अंदर उनको अपनी सारी डिटेल हर साल भेजनी पड़ती है ताकि आम जनता देख सके कि रियलिटी में क्या चल रहा है. अब जैसे आम जनता को कह तो रही है, तुमने सुना ये कंपनी बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन तुमने एमसीए से जाके जब इसकी बैलेंस शीट निकाली तो देखा कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा भाई, कुछ भी नया नहीं है भाई, ये पुराना. दैट मींस यू कैन से कि कंपनी से तुम्हें फूल बना ली. ठीक है, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकल एमसीए क्या होता है. जैसे वहां पे कंपनीज हाउस होते हैं, ऐसे इंडिया में एमसीए होते हैं, तो एमसीए होता क्या है, ध्यान से देखना. एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब इसके लिए जरूरत नहीं है, इसी चीज में तो कंपनीज हाउस ही होगा. दिखाया मैंने पहले, नहीं यार बड़े डर, तो मतलब जो नींद आ रही है वो सारी हो जाएगी. गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट जिसपे सारी कंपनीज की डिटेल होती है, सारी जितनी भी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बेस कंपनीज इसमें सारे लिस्टेड हैं. अब जैसे मैं दिखा दूं ना माय वर्कस्पेस एमसीए सर्विसेज, इसमें यहाँ पे है हमें व्यू कंपनी मास्टर डेटा. जैसे मैं कुछ चीजें चेक करनी है, लेट से कंपनी का नाम चेक करते हैं, मुझे कोई भी कंपनी का नाम बताओ. पहले कुछ और कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है इसके नाम पे, एएनसीओ आर आई, एएनसीओ कम्युनिकेशन, एएनसीओ कंट्रोल्स, एएनसीओ एनर्जी. आपने बड़ी मैं तो कह तुमसे ही पूछता हूँ, तुमने कौन सी बोली थी? जनरल जिंदल, जी आई एन डी ए. अच्छा जिंदल, जिंदल ओके, जिंदल तो बहुत बड़ा होता है भाई, जिंदल स्टील, जिंदल ये जो जिंदल भी चेक कर लेते हैं, लेट्स से जिंदल होनी चाहिए, जे आई एन डी ए एल, जे एस पी एल चेक करते हैं, जिंदल स्टील, जिंदल स्टील चेक करना चाहिए, ये देखो जिंदल स्टील एंड अलॉय, जिंदल स्टील एंड अलॉय, जिंदल स्टील एंड पावर, JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये कंपनी चेक करते हैं. ठीक है, JSPL को मैंने सिलेक्ट किया, यहां पे लिखना है क्या लिखा हुआ है, रूटर्स, आर ओ टी आर एस, ये अभी मैंने क्लिक किया, अब एक कंपनी की पूरी डिटेल आ गई मेरे पास. जिंदल स्टील ROCA कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, इतनी कैपिटल है, इतनी पेड अप, इस डेट को बनी थी, एड्रेस यहां पे है इसका, ईमेल आईडी ये है, चार्जेस क्या क्या हैं जो गवर्नमेंट के पास हैं इसके, ये देखो. ये कौन कौन इसके डायरेक्टर हैं कंपनी के आज की डेट में, किस डेट को स्टार्ट की थी इन्होंने, और कंपनी के अगर तुम्हें बुक्स चाहिए वो लेफ्ट में से मिल जाएंगी सारी बुक्स, तुम्हें अगर कंपनी का चाहिए बैलेंस शीट चाहिए वो सब तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी, कंपनी के क्या क्या इसने फाइलिंग करी हुई है, क्या इसकी सर्विस है, सब कुछ तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा. जैसे पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड दोनों, हाँ जीएसपी और पब्लिक कंपनीज है, नॉट सोल प्रोप्राइटर, नॉट पार्टनरशिप, कंपनीज, क्योंकि कंपनीज आर सेपरेट लीगल एंटिटी. याद होगा मैंने बताया था गवर्नमेंट का बच्चा ज्यादा अलग बच्चा, तो ऐसे ही कंपनीज की डिटेल मिल सकती है गवर्नमेंट के पास. ठीक है, ये होते हैं इंडिया में एमसीए, और यूके में दिस इज कंपनीज हाउस. ठीक है, तो जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है, आयो भाई देखो जैसे क्या लिखा हुआ है, एक बार फटाफट से यहां से पढ़ते हैं,
while companies are required by law to send a copy of this information to every shareholder, most companies will also post a copy on their website or will provide a paper-based copy to the members jisko chahiye. In addition, most companies are required to submit their annual financial statements to companies house so that interested parties can review them. Okay? Some countries or industries have set up public oversight boards. These organizations monitor whether organizations are complying with rules or not. जैसे MCA ये भी काम करती है कि अगर किसी कंपनी ने रूल्स नहीं फॉलो किए, अगर कंपनी ने ये चीज अपलोड नहीं करी वेबसाइट पे, तो उस पर पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी. सो ऐसे वो बना लेते हैं पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड, जैसे यहाँ पे MCA बोर्ड बना हुआ है कि अगर किसी ने कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं अपलोड की तो उस पर पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी. ऐसा ठीक है, ये होता है पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड एंड दिस इज कॉल्ड पब्लिक ओवरसाइट. अब बस मैं लास्ट टॉपिक करा रहा हूं, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेनिफिट क्या है, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने से बेनिफिट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन. सो पहला बेनिफिट इज बिजनेस सक्सेस. पहला बेनिफिट इज बिजनेस सक्सेस. इंप्रूव्ड कंट्रोल्स एंड डिसीजन मेकिंग विल एड कॉर्पोरेट सक्सेस एज वेल एज ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स. नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस. Corporate governance will mean that investors are more likely to trust the company, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छे बंदे चला रहे हैं और बहुत कंट्रोल वे से चल रही है. This will not only make it easier and cheaper for the company to raise finance, but has also positive impact on share price, कि इससे लोन भी इसलिए मिल जाएंगे और कंपनी अगर अच्छी चलेगी तो शेयर प्राइस भी कंपनी का बढ़ेगा. Minimization of wastage. Strong corporate governance should help to minimize waste within the organization as well as corruption, risk and mismanagement. Corruption भी नहीं होगी क्योंकि NED बंदे हैं. Wastage नहीं होगी कि हमने फालतू के बंदे नहीं appoint किए हुए, और risk management भी ठीक होगा, mismanagement नहीं होगा. Listing requirements. Following corporate governance is required by stock exchange in order to be listed. अब जैसे हम किसी कंपनी के shares purchase sale करते हैं, that means वो कंपनी NSE पे या BSE पे listed है. NSE या BSE पे लिस्ट होने का मतलब उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो भेजनी पड़ती है बार बार वहां पे, तो वो जो इंफॉर्मेशन भेजनी है वो इंफॉर्मेशन भेजने के लिए ऑब्वियसली ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करना पड़ेगा. जैसे अब कभी अब अगर तुम चाहते हो मैं मूवी तुम्हें दिखा दो, जैसे अब तुम कहोगे ये BSE पे क्या इंफॉर्मेशन भेजनी होगी, हर कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी पूरी डिटेल भेजनी होती है कि ये हुआ आज, ये हुआ कंपनी में, ये पंगे चल रहे हैं कंपनी में, ये चीज नहीं चल रही, लोगों ने अफवाहें फैलाई है, तो वो क्लियर करना पड़ेगा. ये सब इनको करना पड़ेगा. कैसे मैं दिखा दूं, जैसे BSE इंडिया, गूगल पे सर्च कर दो, कोई सा वेबसाइट जितनी भी अनाउंसमेंट इन्होंने करी है, ये सारी अनाउंसमेंट इनको यहां, अब कंपनी ने करी है, बोलना ही अलग बात, रिटर्न में इनको देनी पड़ती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डिंग, जैसे ये इसका रिजल्ट आया था, जैसे रिजल्ट है, रिजल्ट्स फॉर क्वार्टर एंड नाइन मंथ्स, कंपनी के 9 महीने के रिजल्ट है, बोल तो दो बड़े अच्छे आए लेकिन इनको बताने पड़ेंगे. अब देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट, ये इन्होंने पीडीएफ भेजी है, लेट्स ओपन दिस पीडीएफ. कंपनी कैसे दे दी रिजल्ट देखना, तुम्हें भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना रियल लाइफ में क्या चलता है, क्या चलता है. ये देखो प्रकाश इंडस्ट्रीज ने बताया, ये देखो कंपनीज ने बताया BSE को टू लिस्टिंग डिपार्टमेंट NSE वगैरह, ये सब आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग हुई थी इनकी, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उस मीटिंग का क्या आउटपुट आया है. वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन दिस डे हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग. ये डिटेल उन्होंने अप्रूव की है, अप्रूव करके ये देखो सारा बताया कंपनी का.
कि इस क्वार्टर में कंपनी के इतने डिटेल्स हैं, तो कंपनी कुछ भी झूठ नहीं बोल सकती, और कोई भी बंदा मैं भी देख सकता हूं कि कंपनी का क्या चल रहा है, ठीक है, ये कंपनी फ्रॉड नहीं है, आम जनता इसमें पैसे लगा सकती है, और अगर फ्रॉड काम करती है तो देखो इसमें हर पेज तुम्हारा साइन है, कंपनी के ओनर से डायरेक्टर से साइन है, कुछ भी करेंगे तो डायरेक्टर पकड़ जाएंगे कि देखो आपने साइन करे थे, हालांकि वो साइन होते नहीं है, चल ठीक है। ये होता है हमारा एनएससी बीएससी जो हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा है, ये बात लिस्टिंग रिक्वायरमेंट जितनी फ्रॉड कंपनी होती है रजिस्टर होती है, लेकिन उसके बैलेंस शीटों से पता चल जाता है कि उसके प्रॉफिट कम होते जाते हैं, तो ये एनएससी वाले बताए थे कि ये उसी कैटेगरी चेंज कर रहे थे कि शेयर जो है ये वीक कैटेगरी, तो इनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। यहां तक मैं आज पढ़ाऊंगा, फिर तुम्हारे बहुत हैवी हो जाएगा, अब हम स्टार्ट करें तुम्हारे से बात करेंगे, अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो मुझे कह रहे थे बताओ सर, मैं ये सजेशन